जाता है, कभी नहीं खुलता। यह देख रहे हैं आप कुमारहारी गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। उमरहारी गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र टू खोला गया है, लेकिन इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए सुल्तानगंज या फिर बेगमगंज अस्पताल में जाना पड़ता है। इससे लोग परेशान हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कहने को तो यहाँ 24 घंटे सी एचओ और एएनएम और इलाज की सुविधा मिलना है, लेकिन ताला नहीं खुलने से ग्रामीणों को बाहर इलाज कराने के लिए जाना पीडीडीडीएच रहा है या फिर झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ सीएचओ निकिता लोधी हफ्ते में 2 से 3 दिन ही 1-2 घंटे को आती है, जबकि यहाँ एएनएम कार्यकर्ता पदरिक्त हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराने में समस्या आती है, तो वहीं ग्रामीणों को दवा तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। उमरहारी उप स्वास्थ्य केंद्र से करीब क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव के लोग जुड़े हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पुरी। ये आपके यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों बंद है? कभी खुल जाता है, कभी नहीं खुलता। तो क्या यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी नहीं आते अस्पताल में? कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। क्यों नहीं आते? तो क्या मालूम क्यों नहीं। आप लोगों ने कभी शिकायत की इसके बारे में? नहीं, अभी किसी ने नहीं की। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के रहने वाले। तो ये अभी कब से नहीं खुला? अभी कल तो खुला था, आज नहीं खुला। आज कितने बज गए अभी? अभी तो 12 बजने वाले। 12 बजने वाले हैं। तो ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई चाहते हैं आपके? कार्रवाई होनी चाहिए। यह देख रहे हैं आप कुमारहारी गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र। इस उप स्वास्थ्य केंद्र से करीबन एक दर्जन गांव जुड़े हैं और यहां पर गरीब मजदूर वर्ग के मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहां पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण ये हफ्ते में 1-2 दिन ही खुलता है। जहां सरकार गरीब तबके के लोगों पर इलाज के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं लापरवाह कर्मचारियों के कारण शासन की मंशा पर पलीता लगाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है, इस प्रकार की खबरें और अनेक शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक होती हैं, किंतु शिकायतकर्ता की अनसुनी करते हुए कर्मचारियों पर कार्रवाई ना होने से कर्मचारियों के हौसला बुलंद हैं।